Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover the last part of this chapter, that is the fourth part of chapter number 1 of your supplementary reader book Moments, named The Lost Child, and it is written by Mulkraj Anand. Let's have a short summary. अभी तक हमने क्या देखा, एक child trade fair में आया था अपने parents के साथ, but कहीं ना कहीं वो जितना excited था बाद में उसका excitement डिप्रेस्ड फॉर्म में चला गया. उसकी सारी की सारी इच्छाएं जो थी वो सप्रेस हो गई, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको मेले में कुछ भी नहीं लेकर दिया, वो जहाँ पर भी अट्रैक्ट हुआ. फिर चाहे उसको हॉर्स राइड लेनी हो या उसको कोई स्वीट लेना हो, अगर उसको कोई फ्लावर या गार्लेंड चाहिए हो, या फिर उसको स्नेक चार्मर को देखना हो या बलून्स चाहिए हो, एवरीथिंग द पेरेंट्स आंसर वॉज सेम इन ईच एंड एवरी फॉर्मेट, दैट वॉज नो. उन्होंने अपने चाइल्ड को कुछ भी नहीं लेकर दिया इस पूरे इंटायर ट्रेड फेयर में या मेले में, एंड चाइल्ड कंटिन्यूसली डिसअपॉइंट हो गया. एंड उस चाइल्ड ने एक फाइनल जिद करी थी अपने पेरेंट्स से कि उसको राउंड अबाउट जो केक हुआ बिल्कुल बड़ा सा जाइंट व्हील होता है उसमें उसको एक बार उस स्विंग में झूलना है. लेकिन जब उसके पेरेंट्स उसको आसपास नहीं दिखे जैसे ही उसने उस झूले की जिद करी, तो वो चाइल्ड बहुत बुरी तरह से घबरा गया. उसने हर जगह अपने पेरेंट्स को देखा, बहुत कंटिन्यूसली क्राई ही क्राई करता जा रहा था. उसका क्राई सॉब में बदल गया और उसको अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. उसका थ्रोट पूरी तरह सूख गया क्योंकि हर जगह वो मदर एंड फादर का ही क्रायल कर रहा था. एंड उस क्राई फॉर्म में, उस क्राइडनेस में उसको अपने पेरेंट्स कहीं नहीं दिखे. फाइनली उसे एक पर्सन दिखा जो कि टेम्पल के पास था, एंड उस पर्सन ने अपनी आर्म्स में उसको उठाकर एक जगह बिठाया. एंड तब जाकर उस पर्सन ने उसको सूथ करने के लिए, कि उसको प्लेजेंट फील हो, उस चाइल्ड को एक ऑफर दिया कि या तो वो राउंड अबाउट में एक राउंड खा ले या फिर हॉर्स राइड कर ले. बट उस चाइल्ड ने सबके लिए मना कर दिया, कोई आंसर नहीं दिया और बहुत तेज चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. वो इतना ज़्यादा डर गया था कि उसका मेले में आना, जो अभी तक लाफ्टर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ था, अब जाकर वो किससे भरा हुआ था, फियरनेस. वो फियर कर रहा था, वो ट्रेम्बल कर रहा था, उसको हर जगह बस पेनफुलनेस दिख रहा था. वो पता नहीं कितनी बार गिरा, उसके क्लोथ्स मडी हो गए, एंड वो कंटिन्यूसली अपने पेरेंट्स को ही सर्च कर रहा था. सो नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 5 ऑफ योर बुक. सी दिस, उस चाइल्ड को टेम्पल के पास जिस पर्सन ने उठाया था, वो चाइल्ड कंटिन्यूसली क्राई कर रहा था. उसका जो टर्बन था वो लूज हो गया था, वो अनटाइड हो गया था. कम टू पेज नंबर 5. द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड. अब वो चाइल्ड को रोता हुआ मैन नहीं देख पा रहा था, तो उसने चाइल्ड को रिक्वेस्ट करी कि अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको ले चलता हूँ पेरेंट्स को ढूंढने के लिए. उस बीच उसको क्या मिला चाइल्ड को, वही फ्लूट मैन जो कि अभी तक अपने फ्लूट से, सॉरी स्नेक चार्मर जो कि अपने फ्लूट से उस कोबरा को बार बार स्वे करवा रहा था, डांस करवा रहा था, वो कोबरा मूव कर रहा था. तो मैन ने रिक्वेस्ट करी चाइल्ड से कि उसने प्लीड करा, रिक्वेस्ट करी कि आप उस नाइस म्यूजिक को सुनो, आपको अच्छा लगेगा, आप उस स्नेक की तरफ देखो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. चाइल्ड और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा, उसने अपने कान बंद कर दिए. उसको एक अननोन पर्सन की कोई आवाज़ नहीं सुननी थी, और उसने अपनी और ज़्यादा नेक को या थ्रोट को, अपनी आवाज़ बाहर निकालने के लिए स्ट्रेन डाला, प्रेशर डाला, और उसने एक ही चीज़ बोली डबल पिच्ड वॉइस में कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए, माय मदर, माय फादर. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्विट इन हिम. क्विट इन मीन्स जिस चीज़ के बारे में इंसान सोच रहा है उससे थोड़ा भटक जाए, जब भी वो डिस्ट्रैक्ट होता है उसका माइंड उदास होता है. तो मैन ने एक और ट्रायल करा, उस चाइल्ड को बैलून सेलर के पास ले गया कि अगर वो बैलून्स को देखेगा या एक दो बैलून्स परचेस करेगा तो उनके बीच में उस चाइल्ड का जो भी मदर फादर को लेकर अभी तक सोबिंग हो रही थी, क्राई हो रहा, वो चाइल्ड कंटिन्यूसली क्राई कर रहा था,
शायद वो चुप हो जाए और उन बलून्स के ब्राइट कलर को देखकर हैप्पी हो जाए, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? उसने तो चाइल्ड से ये भी बोला कि क्या तुम रेनबो कलर्ड बलून को लेना चाहोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, एक रिक्वेस्ट फॉर्म में, चाइल्ड को मनाने के फॉर्म में, परसुएशन में उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉब्ड। उस चाइल्ड ने अपनी नज़रें वहाँ से हटा ली और फिर वो बस रोने ही लगा। और उसने धीरे से अब क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। कंटिन्यूसली उसकी एक ही डिमांड थी, उसको अपने मम्मी पापा चाहिए थे। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वो मैन कंटिन्यूसली लगा हुआ था कि उस बच्चे को वो हंसाए कैसे, उसको खुश कैसे करे, क्योंकि वो चाइल्ड न जाने कितने घंटों से अपने पेरेंट्स को ढूंढता ढूंढता रोता भटकता गिरता हुआ आया था एंड अभी तक उसको अपने पेरेंट्स नहीं मिले थे। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। वो उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में उसको बोर कर कहाँ ले गए, गेट की तरफ जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दीज नाइस, सॉरी दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, उसने क्या बोला, क्या तुम्हें ये फ्लावर्स की खुशबू अच्छी लग रही है, क्या तुम इन्हें स्मेल कर सकते हो, वो कितने अच्छे हैं। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम उस फूलों से भरी हुई सजी हुई माला को लेना चाहोगे कि तुम उसको अपने गले में डाल सको। मीन्स चाइल्ड की अभी तक जो भी इच्छाएं थी उसमें से वो पर्सन उसको एक दो तो दिलाकर देना चाहता था, लेकिन अब जाकर वो चाइल्ड खुद से मना कर रहा था क्योंकि उन इच्छाओं के बीच में वो इतना फ्लैटर हो गया कि उससे उसके पेरेंट्स ही खो गए या वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया। कमिंग टू सिक्स पेज, द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रेटेड हिज सॉब। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। चाइल्ड ने अपना जो भी स्मेल उसको करना था उस जगह से अपने आप को हटा लिया, ना ही उसकी नोज़ उन फ्लावर्स के क्लोज आएगी, ना ही वो स्मेल कर पाएगा। एंड उस बास्केट से दूर हटकर अपोजिट डायरेक्शन में फिर जाकर वो दोबारा उसने अपनी सॉबिंग स्टार्ट कर दी। ही रिट्रेटेड द सॉबिंग एंड रोते हुए उसने दोबारा लास्ट लाइन भी यही बोली कि उसको अपने मम्मी और पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब उस चाइल्ड को कंटिन्यूसली कि वो रोए ना, उसका मन भटके ना, वो कहीं से भी डिसकंसोलेट ना हो, इसलिए उस चाइल्ड को वो पर्सन कहाँ ले गया, उसको स्वीट शॉप पर ले गया कि शायद उसको स्वीट्स खाकर अच्छा लगे। और इसीलिए उस स्वीट शॉप के काउंटर पे जाने से बेस्ट ऑप्शन उस पर्सन को और कोई नहीं लगा, तो वो उसको स्वीट शॉप तक ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, डायरेक्टली उस पर्सन ने क्या पूछा कि तुम्हें इसमें से कौन सी स्वीट खानी है, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड। चाइल्ड ने दोबारा अपना फेस उस स्वीट शॉप से भी टर्न कर लिया और रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। एंड अब उसकी जिद क्या थी, उसे अपने मदर और फादर चाहिए, बाकी उसको इस मेले में कुछ भी नहीं चाहिए। इन शॉर्ट उस चाइल्ड के लिए उसका फर्स्ट फेयर दैट वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल, बिकॉज वो क्या मिस कर रहा था, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का अटेंशन जो कि उसको नहीं मिला। एटलीस्ट पेरेंट्स शुड हैव बॉट समथिंग फॉर द चाइल्ड, बट वो नहीं कर पाए परचेज कुछ भी। एंड चाइल्ड का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा उसके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो गया था कि उसने अपने पेरेंट्स का जो ट्रेस होता है, जो फुटपाथ होता है, उसको लॉस कर दिया। एंड उसी लॉस्ट फॉर्म में वो इतना ज़्यादा भटका कि उसको उसके पेरेंट्स उस वक्त नहीं मिले। सो विद दिस वी हैव एंडेड द स्टोरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी क्लास, एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।